नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर सबकी अपनी राय है, पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सी न्यूज भारत पर बात करते हुए कहा कि हमें अति उत्साह से बचना होगा, ये परिणाम अति उत्साह का ही नतीजा है। हम इससे सबक लेते हुए आगे की रणनीति के साथ भविष्य में शानदार प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं और मैं यही कहूँगा कि जो हमारी पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे वो अति उत्साह और अति महत्व में ही उन्होंने ये जनादेश हुआ है। सब लोग समझ रहे थे कि हम तो जीत ही जाएंगे और निश्चित तौर पर सबक भी है और इससे बहुत कुछ चर्चा करके समीक्षा करके आगे हम लोग सुधार करें। इसको मानते हैं कि कई लोग कहा जाते हैं उनका विरोध हो रहा था उनके क्षेत्र में, उसके बाद भी टिकट दिया गया, ये वजह रही कि हार? देखिए, राजनीति में काम करने वाले लोग लगातार जब लंबे समय तक काम करते हैं तो एंटी कमेंसी उनकी होती है, ना हमारी प्रदेश सरकार की ना देश सरकार की, ना मोदी जी की ना योगी जी की, कहीं पर कोई एंटी कमेंसी नहीं थी, ना कहीं लोग इनके बारे में कोई इधर गलत चर्चा करते थे। जो भी चर्चा थी तो हमारे जो प्रत्याशी थे लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनसे तमाम सारी जो जनता अपेक्षाएँ करती है और तमाम लोकल मुद्दों को लेकर के ये इलेक्शन हुआ है, उसी से हमारी चूँकि पार्टी का नेटवर्क था और हम लोग बहुत अच्छा लड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है। इस बार नेट टू नेट हार जीत हुई है, कहीं 2000, 2500, कहीं 5000, चूँकि इसके पहले 14 और 19 के जो रिजल्ट आए थे उसमें लाखों का अंतर था और यही लोगों को भ्रम था, यही लोगों को एक मन में था, अति उत्साह में थे कि जीतना तो है ही है जी। 4 लाख से जीते थे, न 4 लाख से तो 40,000 से जीते जी। तो वो उतना गंभीरता से नहीं लिया और कुछ पार्टी के फैसले भी थे जो पार्टी समझ रही थी कि जब पुराने लोग हैं काम करेंगे जीत के आएंगे, ऐसा नहीं हो पाया। और कुछ इस तरह के मुद्दे जनता के बीच में उठाए गए जो निराधार थे, गलत थे, गलत अफवाहों फैला करके तमाम तरीके का भ्रम पैदा किया गया और उसके कारण तमाम लोगों को गलत फहमिया। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपको लगता है कि जो सीटें आई हैं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होने वाली है 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश? कोई संजीवनी नहीं। अच्छा, पूरी मजबूती के साथ सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जितना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के हित में योजनाएं बना करके काम किया जा रहा है। चुनाव है, ये दिल्ली का चुनाव था, आगे हमारा लखनऊ का चुनाव है, 3 साल का समय है। हम लोग अपनी संगठन की और अपनी पार्टी की समीक्षा करके और कामों में सुधार करके लोगों के भावनाओं के अनुरूप जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर 2027 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पुनः सरकार 27 में फिर। आपने सचान को सुनकर ये समझ लिया होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की हार उत्तर प्रदेश में हुई है वो अति उत्साह का नतीजा है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी इससे सबक लेगी और आने वाले वक्त में अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस न्यूज़ आर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।